हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस को लेकर के है और एक्सेस के अंदर क्या आज सिखाने वाला हूँ बहुत ही खास चीज़ है। और एक्सेस के अंदर ही नहीं बल्कि आप एसक्यूएल और MySQL के अंदर भी ये चीज़ें करते हो, क्या चीज़ें हैं उसको दिखाता हूँ। सबसे पहले तो एक्सेस को ओपन कर लेते हैं, जो भी वर्जन हो उसे ओपन कर लीजिएगा। यहाँ पर एक्सेस का 2021 मैं यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं इसी को ओपन कर लेता हूँ। और एक हमारे पास पहले से प्रिपेयर डेटा है जिस टेबल का नाम है प्रोडक्ट टी, तो मैं इसी टेबल को ले लेता हूं। अब ये टेबल आपके सामने आ गई है, देख सकते हैं इसको। अब यहां पर हमें एक ऐसी क्वेरी लिखनी है कि उस क्वेरी के लिखने से, अब देखिए यहां पर आपको कीबोर्ड दिख रहा होगा, फिर यहां मॉनिटर दिख रहा होगा, फिर तीसरे रो में CPU दिख रहा है, फिर यहां हेडफोन दिख रहा है। तो यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक तो कोई भी प्रोडक्ट का नेम रिपीटेड नहीं है। और लेकिन यहां पर जैसे आते हैं तो यहां पे ईयरफोन हो गया, फिर यहां पे ईयरफोन आ गया, यानी दो बार ईयरफोन आ गया, और यहां पर आया है कीबोर्ड। तो हम ये चाहते हैं कि जो प्रोडक्ट रिपीट हो रहे हैं उनको केवल एक ही बार दिखाया जाए। तो ये किस क्वेरी से पॉसिबल होगा? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के अंदर भी SQL क्वेरी लिखी जाती है, और अगर बात करें SQL की, यानी MySQL की या SQL सर्वर की, तो उसमें तो आप कर ही सकते हैं। तो ये कैसे पॉसिबल होगा उसी को देखते हैं, ठीक है। तो इसको पहले क्लोज करता हूं और यहां से क्रिएट पे जाता हूं। क्रिएट पे जाके क्वेरी डिजाइन पे जाएंगे और यहां से आपको SQL नजर आ जाएगा। लेकिन हमें क्या करना है, अगर आप 2007 यूज कर रहे होंगे तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो नीचे SQL आएगा। फिलहाल 2021 है तो कोई दिक्कत नहीं, यहीं पे क्लिक कर देते हैं। यहाँ पर आपको सेलेक्ट स्टेटमेंट को लिख लेना है, जैसे कि मैंने लिखा है। अब यहाँ पर आप डिस्टिंक्ट लिखिएगा, ये बाइंडिंग नहीं है आपके सामने कि आप इसे कैपिटल लिखेंगे या स्मॉल लिखेंगे, आपको जैसा इच्छा वैसा लिख लीजिएगा, चाहे कैपिटल लिखिए चाहे स्मॉल लिखिए। अब चूंकि हमें नेम ऑफ प्रोडक्ट देखना है कौन सा डिस्टिंक्ट है, ठीक है, मतलब डिस्टिंक्ट ही लेके आना है, तो यहाँ पे नेम ऑफ प्रोडक्ट हमने दे दिया है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं ये नेम ऑफ प्रोडक्ट हमने दे दिया है और यहाँ पे सेलेक्ट डिस्टिंक्ट लिखा है और फिर यहाँ पे नेम ऑफ प्रोडक्ट। लेकिन ये ध्यान दीजिएगा कि जो स्पेलिंग है वो मिस्टेक ना होने पाए, जो कि आपकी मेन टेबल है, यानी ये टेबल है हमारी। तो इसमें देखिए नेम ऑफ प्रोडक्ट जैसे लिखा गया वैसे ही हमको अपने क्वेरी में भी देना होगा, ठीक है। और ये नेम ऑफ प्रोडक्ट हो जाएगा, और ये नेम ऑफ प्रोडक्ट आएगा कहाँ से, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ फ्रॉम, टेबल का नाम है प्रोडक्ट टी, यही तो टेबल का नाम है, देखिए यही तो नाम है टेबल का। तो हमें भी यहाँ पे क्या दे देना है, प्रोडक्ट टी। तो यहाँ पे देंगे PRODUCT प्रोडक्ट, और यहाँ पे टी, और यहाँ पे टर्मिनेशन दे देंगे, और टर्मिनेशन देकर के अब इसको चलाने की बारी है। तो यहाँ से जाएंगे और यहाँ से जाके इसको रन कराएंगे। तो रन कराते ही आप देखेंगे कि यहाँ पर केवल आपको यूनिक रिकॉर्ड ही नजर आ रहे हैं, यानी यहाँ पे जो रिपीटेड था, यानी देखिए यहाँ पर ईयरफोन रिपीटेड था और कीबोर्ड रिपीटेड था, तो ये चीज जो है ऑटोमेटिकली ये हटा दे रहा है, ठीक है। अगर मैं बात करूं यहाँ पर और भी रिकॉर्ड एंटर करने की, जैसे यहाँ पे CPU हमने एंटर कर दिया, तो CPU तो ऑलरेडी आया हुआ है, तो यहाँ पे CPU की कॉस्ट हमने एंटर करी, यहाँ पे यूनिट एंटर किया, ये भी आ गया। फिर यहाँ पे क्या करते हैं, एक बार और कीबोर्ड डालते हैं, तो देखिए कीबोर्ड या CPU जो भी रिपीटेड आएगा ना उसको ये हटाता चलेगा। देखिए यहाँ पर अब मैंने इसे कर दिया, अब मैं क्या करता हूँ इस टेबल को क्लोज करता हूँ सेव करके, तो ये क्लोज हो गया। और एक बार हम क्या करेंगे, इसे रिफ्रेश कर देंगे इस क्वेरी को, तो आप देखेंगे कि इसमें जो है आपको CPU एक ही बार दिखाई देगा, देख रहे हैं CPU केवल एक ही बार दिखाई दे रहा है। आप चाहे तो इस क्वेरी को दोबारा से रन भी करा सकते हैं, लेकिन इसमें आपको दिखाई तो एक ही बार देगा, देख सकते हैं कि नहीं। यहाँ पर ये जो क्वेरी है, ये जो क्वेरी लिखी है, अगर आप इसको दोबारा भी रन कराते हैं तो भी आपको एक ही बार ये दिखाई देगा, देखिए। तो इस तरीके से डिस्टिंक्ट नाम का कीवर्ड है, इसको आप यूज कर सकते हैं, काफी यूजफुल है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में भी और SQL में भी। तो उम्मीद करता हूँ बात समझ में आई होगी, ठीक है।